हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हो अच्छा हुए होंगे। तो क्या आपका भी सोल्डरिंग आयरन का हल ये हो गया है? क्या आपके सोल्डरिंग आयरन भी ख़राब हो गया, या फिर आपका सोल्डरिंग आयरन में बहुत ही ज़्यादा जंग लग गया, या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवरहीटिंग होता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको इस कंपनी का सोल्डरिंग आयरन को एकदम बिल्कुल ही नया से बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो में बने जरूर रहिएगा। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, इसका बॉडी को मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ कुछ खास जो कि इसमें लगने वाला है, जो कि है आपका ये। देखिए, ये है एलिमेंट, सोल्डरिंग आयरन का 60 वाट का एलिमेंट है, जो कि सीरोन कंपनी का है, जो कि मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। और ये आपको पड़ने वाला है 150 रुपीज़ का, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। 150, 160, 190 भी लग सकता है, सब जगह अलग अलग रेट होता है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, किसी भाई से मंगवाया है, दिल्ली से ऑनलाइन व्हाट्सएप से मंगवाया, व्हाट्सएप बिजनेस से। तो ये ओरिजिनल है, सीरोन कंपनी का ओरिजिनल है 60 वाट का, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट ये ओरिजिनल ही है। और इसका क्वालिटी आप देख ही सकते हैं कैसा है। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक है अर्थिन वायर, जो कि नटबोल जिसमें लगा हुआ है वो देखिए। तो ये देखिए, नटबोल जहाँ लगा हुआ है अर्थिन का वायर। आपको अर्थिन देना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, अर्थिन नहीं देगा तो आपको झटका लगेगा करंट का, ठीक है? अगर आपका घर पे अर्थिन नहीं है तो अर्थिन करवा लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपको करंट का झटका लग सकता है। और इसमें क्या होता है, करंट लीकेज हो जाता है अगर अर्थिन नहीं होता है तो। और इसमें आपको न्यूट्रल फेस देना है, जो कि दो वायर था उसमें आपको न्यूट्रल फेस दे देना है, जो कि आप जानते होंगे। नहीं जानते तो आपको कनेक्शन भी बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये है सोल्डरिंग आयरन का बिट, जो कि मुझे पड़ा है 60 रुपीज़ पर पीस। आपको 70 का भी पड़ सकता है, हर जगह अलग अलग टाइप का रेट होता है। तो ये है 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन का बिट, जो कि सीरोन कंपनी का ओरिजिनल है। और ओरिजिनल का पहचान कैसे करेगा वो आपको मैं बता दूँ। ये आपका मैग्नेट में चिपक जाएगा इसलिए, लोहा पे भी हल्का हल्का चिपकेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, जो कि ओरिजिनल का पहचान है। और जो डुप्लीकेट होता है वो चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी मैग्नेट पे। तो ये देखिए, ये मेरा पुराना वाला है, ओरिजिनल कंपनी ही है, बट इसका प्रॉब्लम क्या, ओवरहीटिंग हो रहा है। तो मैं इसका सोच रहा हूँ पूरा एलिमेंट ही चेंज कर दूँ, क्योंकि मेरा बीट बार बार ख़राब हो रहा था, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसे चेंज करना ही ठीक समझा। तो चलिए देखते हैं, अब वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है देखने में, प्लीज़ आप बताइए, रिकमेंडेशन करिए, आप मतलब रिव्यू करिए मेरा वीडियो का। तो ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। और ये इसका कनेक्शन है, ब्लैक और रेड जो देख रहे हैं ये आपको न्यूट्रल फेस का हो जाएगा। आप कहीं भी न्यूट्रल फेस लगा सकते हैं ये दोनों वायर में से, ठीक है? तो मैं इसमें लगा देता हूँ ब्लैक और रेड। और ये मैंने ले लिया फ्लक्स। फ्लक्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वायर को सोल्डरिंग करते वक्त। अगर आप फ्लक्स नहीं यूज़ करते हैं तो सोल्डरिंग करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ फ्लक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ फ्लक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोल्डरिंग के मामले में। अगर आपके पास सोल्डरिंग वायर फ्लक्स नहीं है तो सोल्डरिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं करना। तो ठीक है, तो फ्लक्स लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सोल्डरिंग करके आगे दिखाता हूँ वीडियो में। Thank you.
वैसे आपको एक बात बताना था कि इसमें जो बीट जो था, नया नया बीट जब आप लेते हैं तो उसे फिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप ठीक से फिट करिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें फिट नहीं आएगा, ये वाला बीट फिट आ जाएगा, आपको बस ध्यान से फिट करना है। तो वो वाला वीडियो मैंने नहीं बना पाया, तो सॉरी इसके लिए।